रायबरेली में चुनावी रंजिश के कारण महिला के साथ मारपीट, अभद्रता करते हुए सभासद प्रतिनिधि का वीडियो वायरल। रायबरेली नगर निकाय चुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन कहीं न कहीं जिन लोगों ने प्रत्याशियों को अपना मत नहीं दिया व जीते हुए प्रत्याशी कहीं न कहीं अपनी चुनावी रंजिश को रखते हुए अपने वोटरों से मारपीट करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मामला रायबरेली के थाना लालगंज बरदाही बाजार वार्ड नंबर 1 का बताया गया, जहां सभासद प्रतिनिधि राजेश कुमार उर्फ गब्बर रात करीब 11 बजे अपने प्रतिद्वंदी पीड़ित महिला संध्या के घर जाकर नशे की हालत में अपने गुर्गों के साथ उसके साथ मारपीट व गाली गलौज की, जहां इतना सुनकर उसके पति जब बीच बचाव में पहुंचे तो सभासद प्रतिनिधि के गुर्गों ने उसके पति भी लात और घूंसों से जमकर पीटा। वहीं पीड़िता के द्वारा बताया गया कि कमर से असलाह निकालकर सभासद प्रतिनिधि के द्वारा मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि ज्यादा राजनीति ना करना, नहीं तो जान से मार दूंगा। जहां घटना से पूरा परिवार सहमा है, जहां वे आज अपने परिवार के साथ रायबरेली की पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, लेकिन पीड़िता की मुलाकात पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से नहीं हो सकी। फिलहाल मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने अपनी सारी आपबीती बताई और न्याय की गुहार लगाई। देखना है कि पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं। अंडर क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ, वंश श्रीवास्तव। क्या नाम है? मेरा नाम संध्या है। कहाँ से आई हैं? बरधाई बाजार वार्ड नंबर 1 से। थाना लालगंज। क्या समस्या आ रही है आपको? मेरी समस्या है कि अब जो हमारे सभा सदस्य में बने हैं वो बहुत ही ज्यादा चुनावी मामले के लेके रंजिश में है। कल रात 21 मई को रात में पी के तीनों भाई राजेश, राकेश और जयप्रकाश आए मेरे घर के सामने बद्दी गालियां देने लगे। जब मैंने अब उनको रोकने की कोशिश किया तो मुझे घसील के मारने लगे। जब मेरी आवाज़ सुन के मेरे पति आए तो उनको भी मारने लगे। उनके भाई राकेश जो है कि कट्टा लिए थे वो घुमा के इनको कान पे लगा दिए। जब हमने पैर पकड़ के रोने लगे तो फिर कहें कि ज़्यादा राजनीति ना करो, चुनावी रंजिश के कारण उन लोग बहुत ही ज़्यादा 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन कल एकदम दबंगई ही पे आ गए थे। किस बात को लेके गाली गलौज करने लगे? कोई रंजिश है क्या पुरानी? हम लोगों ने सभासद पद के लिए हम लोगों ने भी चुनाव में खड़े हुए थे, उसी को लेके भी आप लोग क्यों खड़े हुए हैं? अच्छा, आप खड़ी हुई थी कि आपके हस्बैंड? मैं खड़ी हुई थी। और सभा इसमें कौन है सभासद वहाँ बना है? राजेश ये बने हैं, सीमा देवी हैं, उनकी पत्नी सीमा देवी। थाने गई थी क्या आप? हाँ, कल रात गए थे। थाने में क्या हुआ? थाने में हुआ कि 10 बजे बुलाए थे, लेकिन कोई भी मतलब उस तरह की बातें नहीं हुई है कि नहीं कि आपकी सुनवाई की गई है। आज आप कहाँ पे आई हैं? आज हम एसपी ऑफिस आए हैं। किसी से मुलाकात हुई है? नहीं, आज तो किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, कोई अधिकारी नहीं मिला है। क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, हमारे पति की जान की रक्षा की जाए। क्या किसी को मारा पीटा है? हाँ, मेरे पति को मारा है ना कल रात में, हमको मारा है, फिर छोटे बच्चे को ढकेल दिए हैं, फिर घर में घुस के किसी भी धर्म के अभद्रता की गालियाँ देना। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे पति बाहर कमाते हैं, बाहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे न्याय चाहिए।